काफी सारे लोग हमसे जानना चाहते थे कि अंकित गुप्ता और प्रियंका चहर चौधरी का कोई नया शो आने वाला या फिर नहीं, ये सब आपको आज के में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ताकि सबसे उसके आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे ये भी बताने की कोई जरूरत नहीं कि ये दोनों कितने टैलेंटेड एक्टर हैं। इससे पहले जब प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता बिग बॉस में आए थे तब फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। हाल ही में आपको अंकित गुप्ता जुनूनियत शो में आपको देखने को मिले थे। अगर हम उनके शोज की बात करें तो जुनूनियत, उडारिया, सदाहक और भी काफी सारे ऐसे शोज थे जिन्हें इन्हें शोज में पसंद किया गया था। और प्रियंका चहर चौधरी भी उडारिया, सपनों धना, थ्री जी गाली, गलौज गिल्ड और भी काफी सारे ऐसे शोज में नजर आई थी। अभी ऐसे कई शोज है लेकिन उनका मैं अभी फिलहाल नाम नहीं लेने वाला हूँ। पहले हम बात करते हैं कि इनके शोज के बारे में क्या कुछ खबरें थी और क्या शो आने भी वाला या फिर नहीं। वैसे आपको बता दें, कुछ टाइम पहले प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता के शो के बारे में कुछ खबर निकल के आई थी। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर इस न्यूज़ को देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है, अंकित गुप्ता प्रियंका चौधरी टू वर्क इन न्यू प्रोजेक्ट टुगेदर। और दूसरी खबर में लिखा हुआ है, अनन प्रियंका चौधरी ने नागिन 7 के काम करने के लिए अटकलों पर प्रतिक्रिया दी, यहाँ जाने उनका क्या कहना है। और इससे पहले इस तरह की खबरें निकल के आई थी कि नागिन 7 के लिए प्रियंका चौधरी को फाइनल किया जा सकता है। अभी फिलहाल इस चीज को कंफर्म तो नहीं किया गया है लेकिन आने वाले टाइम पर हो सकता है कि नागिन 7 में आप सभी को प्रियंका चौधरी देखने को मिले। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप सभी को कोई नया शो देखने को मिलेगा तो ये दोनों आपको उस शो में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके काफी ज्यादा चांस है कि आप सभी को कोई नए शो में ये दोनों जरूर देखने को मिले। और ऐसा भी बताया जा रहा था कि इनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले जिनके बारे में आने वाले टाइम पर उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। अब ये चीज कब होगी, इसका अनाउंसमेंट कब होगा, ये आने वाले टाइम पर ही आपको पता चलेगा। तब तक आप सभी लोग इस शो के बारे में अपडेट देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।